रामपुर गांव में राजकुमार नाम का एक परिश्रमी व्यक्ति रहता था। राजकुमार के पिता के मरने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। युवक राजकुमार अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ सारा दिन यही सोचते रहता था कि किस तरह वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाले। बेटा, तुमने पढ़ाई वढ़ाई क्यों छोड़ दी है? अरे माँ, मैंने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी तो क्या हुआ? मेरी छोटी बहन शिक्षा तो कर रही है पढ़ाई लिखाई। घर में एक तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए ना। मैं काम करूँगा। नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, बाकी घर की चिंता तुम मत करो बेटा। देखो माँ, आपकी उम्र हो रही है और आप इतना कठिन काम नहीं कर सकती हो, इसलिए मैंने सोचा है कि आज से घर का जो भी काम होगा वो स्वयं मैं करूँगा और तुम कोई काम नहीं करोगी। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जैसा राजकुमार ने बोला था ठीक वैसा ही हुआ। उसने अपनी माँ को आराम करने के लिए कहा और अपनी बहन को स्कूल भेज काम करने निकल पड़ा। घर को संभालना ही होगा, किसी भी प्रकार से मुझे अपनी माँ के चेहरे पे खुशी लानी ही होगी। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होगा। अरे वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो घर बन रहा है, हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कुछ काम मिल जाए। राजकुमार अपना मन मजबूत करके काम करने पहुँचा। वो वहाँ खड़े राजमिस्त्री को अनुरोध करने लगा। भैया जी, मेरे लिए यहाँ कुछ काम मिलेगा? अरे बेटा, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी कॉलेज जाने की उम्र है। तुम्हें पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ी नौकरी करनी चाहिए। तुम यहाँ क्यों काम करने के लिए आए हो? घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे घर को संभालना ही होगा। तुम्हारी बात सुनके मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरे पास तो मजदूरी का ही काम है और कोई काम नहीं दे सकता। हाँ हाँ, मजदूरी का ही काम है। ये बड़े बड़े मिस्त्री के पास ईंट मसाला बनाकर लेकर जाना है, यही एक काम है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम करोगे क्या, बताओ? करूँगा भैया, करूँगा। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। और इस तरह से शुरू हुआ राजकुमार का जीवन। अपने तन मन से मेहनत करके परिवार पालने में जुट गया। राजकुमार सारा दिन मेहनत करता। एक दिन राजमिस्त्री उसको देखकर बोलते हैं, राजकुमार, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ। तुम बहुत जल्दी जल्दी काम सीख गए हो। सब आपका आशीर्वाद है भैया जी, अगर आपने सराहना दिया होता। नहीं, मेरे आशीर्वाद का काम नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन का ही एक काम है। तुम आगे भी बहुत तरक्की करोगे। मुझे घर बनाने का काम बहुत ही अच्छा लगा भैया जी। किस प्रकार ईंट सीमेंट लेकर घर को खड़ा करा जाता है, ये आज मुझे समझ में आ गया है। भैया जी, इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा सुझाव है। राजकुमार तारा काम जल्दी जल्दी सीखने लगा कि कैसे ईंट पर ईंट रखकर उसके अंदर सीमेंट भरकर घर का निर्माण होता है। वो सपने में देखता है कि एक दिन वो खुद ठेकेदार बन चुका है। वो अपने सपने की बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मेरी इच्छा है कि मैं कारोबार करूंगा, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करूंगा और उसका नाम होगा राजकुमार कंस्ट्रक्शन। मेहनत करने पर सब कुछ संभव है बेटा। ये मेरा सपना है माँ, और इस सपने को मैं सच सच करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, अब तो हमारी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, तुम्हारी बहन की शादी करवा दे क्या? अरे माँ, देखो ना शिक्षा कितनी बड़ी हो गई है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया। खूब धूमधाम से राजकुमार ने अपनी बहन की शादी की। तुम जिंदगी भर खुशी खुशी रहो, ऐसे रहो, खुशी खुशी जियो, अपना जीवन व्यतीत करो।
आज राजकुमार बहुत खुश है। उसने अपना सपना पूरा किया और अपनी बहन के लिए अच्छी जगह ससुराल ढूंढा। अब उसका केवल एक ही सपना है जो बच गया है। माँ, बहन की तो शादी हो गई है, अब मुझे अपना दूसरा सपना पूरा करना है, राजकुमार कंस्ट्रक्शन का। खुद पर यकीन करो बेटा, एक दिन तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। आज मैं भैया जी मिस्त्री के पास बात करने जा रहा हूँ, शायद इस मामले में वो मेरी कुछ मदद कर सके। राजकुमार उसी राजमिस्त्री के पास पहुंचा और उसे अपने मन की बात बताई। सर, आपको तो मैंने सब कुछ बताया है कि मेरा एक सपना है, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मेरा खुद का एक बिजनेस हो, राजकुमार कंस्ट्रक्शन का। आप कुछ सहायता कर सकते हैं तो बताइए। हाँ ठीक है, अच्छा मिस्त्री तुम्हें दे दूंगा मैं तुम्हें ऐसा मिस्त्री दूंगा जो तुम्हारा सारा अच्छे से काम कर देगा। मैं तुम्हें एक पता देता हूँ, तुम वहाँ पे जाकर काम की बात भी कर लो, वहाँ एक नया मकान बनेगा, वहाँ पे भी अगर काम मिलता है तो जाकर देख लो, अगर मकान का काम मिल जाए तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। राजमिस्त्री के कहे अनुसार राजकुमार पहुँचा उसी भले मानुस के पास अपने मन की बात कहने। उसने राजकुमार की बात सुनकर थोड़ा सोचा समझा और खुशी खुशी राजकुमार के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। राजकुमार खुशी से उछलते कूदते पहुंचा अपने घर। माँ, माँ, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है माँ, आज मेरा दूसरा सपना पूरा होने जा रहा है। अब राजकुमार कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने में अब देरी नहीं है, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद का फल है माँ, सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद का। नहीं बेटा, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, होता है तो मेहनत से होता है। तुम्हारी मेहनत ही आज तुम्हें इस मुकाम पर लाई है। अब तूने अपना कारोबार शुरू किया है तो इसे ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से बनाओ, यही मेरी इच्छा है। माँ, ये खुशखबरी मैं भैया जी मिस्त्री को सुना के आता हूँ, वो कब से मेरी राह देख रहे होंगे, मैं जल्दी जाके आता हूँ माँ। ठीक है, जाओ बेटा जा। और शुरू हुआ राजकुमार का पहला राजकुमार कंस्ट्रक्शन का काम। राजकुमार के दोस्तों ने भी उसका भरपूर साथ दिया और देखते ही देखते उसी भले मानुस के लिए एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो गया। आपका घर निश्चित समय से पहले ही तैयार हो चुका है और ये सब मुमकिन हुआ है मेरी मेहनत और मेरे भाइयों की मेहनत की वजह से, वरना संभव नहीं था। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ राजकुमार, मैं तुम्हें बहुत सारा काम दिलवाऊंगा। ऊपर वाला आपका भला करे। राजकुमार कंस्ट्रक्शन का नाम जगह जगह प्रसिद्ध होने लग गया और उसने अपना एक ऑफिस भी तैयार कर लिया। एक दिन राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं सबके घर बनाता हूँ लेकिन अभी तक मेरे सपनों का घर यानी हमारा घर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अभी तुम अपने पिताजी के घर को भी अच्छी तरह से सजा सकते हो। बिल्कुल माँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मेरे पास बहुत सारे घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मैं खुद के घर के तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्द अपने घर का भी काम शुरू करवा दूंगा माँ, चिंता मत करिए। राजकुमार के मित्रों को भी बहुत सारा काम मिलना शुरू हो जाता है और उधर जिस राजमिस्त्री ने उसे पहला काम दिया था उसी के पास काम की कमी होने लग गई। अरे अरे, कोई भी मेरे से काम नहीं करवा रहा, सब लोग राजकुमार के पास जा रहे हैं। राजकुमार बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऊपर वाले अब मेरा क्या होगा और अब मैं क्या करूँ। अगर मैं ऐसे घर पे बैठा रहा तो अपने कर्मचारियों को पगार कैसे दूंगा मैं। हाँ हाँ, एक बार मैं राजकुमार से बात कर आता हूँ। हाँ हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं सर, मेरे दुख के समय में आप अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था, आज मैं आपके लिए खड़ा ना हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास इतना काम है कि मैं खुद के घर में ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे दिल से ये इच्छा है कि आप मेरा घर बनाएं और उसके बाद अगर काम की कमी हो तो आप चिंता ना करें, आपको काम के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।
आप और मैं मिलकर एक साथ काम करेंगे, बिल्कुल एक साथ। धन्यवाद राजकुमार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। उसके बाद राजकुमार के खुद के घर का निर्माण होना शुरू हुआ। राजकुमार के लिए राजमिस्त्री ने बहुत सुंदर घर का निर्माण किया था और उसकी आर्थिक समस्या भी सुलझ गई थी। जब मैं छोटा था तो मैं कैलेंडर में घर को देख के सोचा करता था कि काश मेरा भी इतना बड़ा घर होता। तुम तो इस तरह के सपने देखते ही थे बेटा, मैं तो कब से ऐसा सोच रही थी कि मेरा भी ऐसा एक बड़ा सा घर हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा, तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पिताजी के जाने के बाद आपने कैसे हमें कष्ट से पाला है माँ, ये हम जानते हैं। अब मैं आपको किस तरह से खुश कर सकता हूँ बताइए माँ। अपनी बहन की इतनी अच्छे से शादी कर दी, हमारा घर इतना अच्छे से सजा दिया, अब बस चाहती हूँ कि एक बहू आ जाए तो ये सूना सूना घर भर जाएगा। और अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, मुझसे ये सब काम नहीं होता, बहू आ जाएगी तो मेरा हाथ बटा। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी माँ, बस थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हारे आशीर्वाद से तो आजकल सब कुछ हुआ है, मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना टाल सकता हूँ माँ, बिल्कुल नहीं टालूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, पर तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ।